इस समय बॉलीवुड एक्टर सनी देओल हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म गदर 2 की सक्सेस से काफी खुश हैं। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और इस बीच सनी के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज आई है। बता दें कि गदर के दूसरे पार्ट से धमाल मचाने के बाद अब खबर आ रही है कि सनी अब अपनी सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का भी सीक्वल लेकर आने की तैयारी में है। जी हाँ, बता दें कि बॉर्डर एक ऐसी फिल्म है जिसका सालों से फैंस दूसरा पार्ट चाहते हैं और अब रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल, जेपी दत्ता और निधि दत्ता बॉर्डर 2 बनाने का प्लान कर रहे हैं। पिछले 2 से 3 सालों से इस पर डिटेक्शन किया जा रहा है और अब सब फाइनल होने के बाद जल्दी बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट भी की जाएगी। टीम ने 1971 के भारत पाक युद्ध की एक ऐसी कहानी ढूंढी है जो अभी तक बड़े पर्दे पर नहीं बताई गई है और सभी इसे शानदार ढंग से दिखाने के लिए तैयार है। बता दें कि इस फिल्म को जेपी दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि इस पर स्क्रिप्ट अब लिखनी शुरू होगी। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार सनी देओल के अलावा कुछ नई जनरेशन के एक्टर्स को लिया जाएगा, ना कि इसमें सिर्फ पहले पार्ट वाले एक्टर्स होंगे। हालांकि पहले पार्ट की बॉर्डर से सिर्फ सनी देओल ही होंगे जो बॉर्डर 2 का भी हिस्सा होंगे। अब क्योंकि अभी प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी तो इससे ज्यादा अपडेट्स नहीं आए हैं और आगे की बाकी अपडेट्स फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद ही आएंगे। वहीं बता दें कि इससे पहले बॉर्डर साल 1997 में रिलीज हुई थी और वो तब उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को न सिर्फ उसकी कहानी बल्कि एक्टिंग, गाने और ड्रामे की वजह से भी सालों से आज तक पसंद किया जाता है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।